अगर किसी को जाति पाति का नंगा नाच देखना है तो वह हरियाणा में आए। हरियाणा के जो एलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र है वहां पर उपचुनाव हो रहा है, वहां पर जाएं और देखें कि किस तरह से सत्ताधारी पार्टी जात पात के नाम पर खुले तौर पर वोट मांग रहे हैं। ना प्रशासन कुछ करने वाला और ना ही चुनाव आयोग कुछ कहने वाला। 1,86,000 वोटों में 40,000 अनुसूचित जाति समाज की वोट है, 45,000 ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के वोटर्स हैं। हमारी वोटों के ऊपर चौदह दूसरे लोग करते क्यों भाई? इस बार SCBC वोटर्स जिसे चाहेगा वो विधायक बनेगा। इस बार गोविंद कांडा विधायक बनेगा। 30 तारीख को जो SCBC चाहेगा और वही विधायक बनेगा और गोविंद कांडा विधायक बनेगा। क्यों? गोविंद कांडा SC है? नहीं है। गोविंद कांडा OBC है? नहीं है। लेकिन फिर भी गोविंद कांडा विधायक बनेगा SCBC वोटर्स के जरिए। हरियाणा में चौधर कौन कर रहा है? हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। क्या वो SC हैं या वो OBC हैं? किस जाति से आते हैं वो? कायदे से तो जो श्रीमान खुले तौर पर मंच से जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं उनसे ये सवाल होने चाहिए थे, लेकिन कायदे से यहाँ तो कायदे को खूंटी पर टांग कर नंगे होकर जात पात का खेल खेला जा रहा है। ये जो श्रीमान OBC और SC वोटर्स की ठेकेदारी करने निकले हैं ये पिछली खट्टर सरकार के दौरान मंत्री थे, कृष्णलाल पवार। लेकिन मंत्री होते हुए चुनाव हार गए, बुरी तरह चुनाव हारे। एक मंत्री के तौर पर, एक विधायक के तौर पर इन्होंने कैसा काम किया होगा आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन BJP ने इन्हें एक मोहरे की तरह अब आगे खड़ा किया है कि जाति के नाम पर खुले तौर पर जहर फैलाओ। इस तरह की जिम्मेदारी पहले राजकुमार सैनी BJP के सांसद को सौंपी गई थी, लेकिन काम निकलने के बाद जैसे दूध में से मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है उस तरह से राजकुमार सैनी को भी फेंक दिया गया और शायद अगला नंबर पवार साहब का भी हो, क्योंकि BJP के लिए ये जो जात पात के और खुले तौर पर जात पात की राजनीति है ये करना कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुले तौर पर मंचों से जाति के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। BJP ने तो हरियाणा में अखबारों में इश्तिहार छपवा कर वोट मांगे हैं जाति के नाम पर। 2019 विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले आप आ जाइए, एक विज्ञापन आप लोगों को याद होगा, हरियाणा के तमाम लोगों को याद होगा क्या लिखा गया था उस विज्ञापन में। मेयर पद के लिए BJP वोट मांग रही थी, अखबार में पूरे फ्रंट पेज के ऊपर विज्ञापन छापा गया था, लिखा गया था 52 साल में मिला हरियाणा को पहला पंजाबी मुख्यमंत्री, अगर आज गलती की तो 60 साल में फिर मौका नहीं मिलेगा। आजाद प्रत्याशी के कंधे पर बंदूक रखकर पंजाबी समाज के मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं कुछ जाति विशेष के नेता। पंजाबी समाज के लोगों का अनुरोध, पंजाबी मुख्यमंत्री का खुलकर करें समर्थन। मेयर पद की उम्मीदवार रेणु बाला गुप्ता, मेरा वोट मेरा निर्णय, कमल के साथ भाजपा। ये बेशर्मी हरियाणा पहले देख चुका है और इसके जरिए जिस तरह की राजनीति हरियाणा में होती है उसे हरियाणा झेल चुका है। लेकिन BJP को पता है कि सिर्फ वो जात पात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, उसे पता है कि लोग भी अंदर तक जात पात से भरे पड़े हुए हैं। BJP जिस तरह की राजनीति कर रही है ये बहुत आसान राजनीति है, वो तो ये करेगी। सोचना हरियाणा के लोगों को है, एलाहाबाद की जनता को है कि क्या सच में ही आप लोगों को इस तरह की राजनीति चाहिए? क्या सच में ही आप लोगों को लगता है कि जो लोग जाति के नाम पर वोट मांगते हैं वो आपका भला कर देंगे? क्या सच में ही आप चाहते हैं कि जिस तरह का समाज आपको दिया जा रहा है क्या इसी तरह का समाज आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी मिले, जिसमें आपके बच्चों से उसकी जाति पूछकर ये सोचा जाए, ये डिसाइड किया जाए कि उसके साथ किस तरह का व्यवहार होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए, जागरूक करने के लिए लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए। इस तरह का कंटेंट देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका रिपोर्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक कीजिएगा।